हेलो प्यारे दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं दो सूरज वाला ग्रह के बारे में। जी हाँ, आपको सुनकर ताज्जुब लग रहा होगा, लेकिन यह सच्चाई है। हमारे स्पेस में ऐसा भी ग्रह है जो दो सूरज वाला ग्रह है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, जहाँ दिन में दो बार होता है सूर्यास्त। जी हाँ, नासा ने ऐसा बताया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बड़ी खोज की है। नासा ने दो सूरज वाला ग्रह तलाशा है जो देखने में धरती की तरह नजर आ रहा है। यहाँ दो सूर्यास्त होते हैं तो दो सूर्योदय भी। नासा ने इस ग्रह का नाम केपलर 16b रखा है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं, देन लेट गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, अंतरिक्ष की कहानी भी काफी रोचक है। अब तक आपने एक सूर्य के बारे में सुना होगा। हमारे सौर मंडल में एक सूर्य है जिसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा ग्रह भी है जिसके पास एक नहीं दो सूरज है? जी हाँ, दो सूरज है, आप सही सुन रहे हैं। कुछ महीनों पहले ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस ग्रह का पता लगाया है। इसके बारे में जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। नासा के मुताबिक यह ग्रह धरती से लगभग 200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसका नाम केपलर 16b रखा गया है। माना जा रहा है कि यह ग्रह भी शनि की तरह ही ठंडी गैसों से बना हुआ है। नासा के शक्तिशाली दूरबीन केपलर ने इस अंतरिक्ष के अविश्वसनीय दृश्य को देखा। इस ग्रह की तुलना हॉलीवुड के काल्पनिक फिल्म स्टार वॉर के टैटुएन ग्रह से की जा सकती है। हालांकि नासा ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि इस ग्रह पर धरती की तरह कोई जीवन हो। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वहां दो सूर्यास्त होते हैं, क्योंकि वहां दो सूर्य हैं, तो सूर्योदय भी दो बार होता है, सूर्यास्त भी दो बार होता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि केपलर 16b के दोनों सूर्य पृथ्वी के सूर्य की तुलना में काफी छोटे नजर आते हैं। पहले सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के सूर्य के द्रव्यमान का 69% जबकि दूसरे का द्रव्यमान सिर्फ 20% है। नासा का अनुमान है कि इस ग्रह का तापमान -73 से 101 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। दोनों सूर्य हर 229 दिन में परिक्रमा कर लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक यह ग्रह आंशिक रूप से चट्टान से बना हुआ है जहां तरल पानी मौजूद हो सकता है। जब 2011 में इसकी खोज हुई थी तब साइंटिस्ट बिल बॉर्की ने कहा था शायद इस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हो सकती है, लेकिन बाद की जांच में पता चला कि ऐसा संभव नहीं दिखता। नासा ने केपलर टेलीस्कोप को 2009 में लगाया था ताकि ताकि ये पृथ्वी जैसे ग्रहों की आकाश गंगा के दृश्यों को कैद कर सके। सौर मंडल और तारा मंडल के बारे में जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। मसलन जिस सौर मंडल में हम रहते हैं, क्या उसके अलावा कोई और सौर मंडल हो सकता है? क्या ग्रहों के अलावा और ग्रह मौजूद हैं? क्या दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की संभावना हो सकती है? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में जानने की लगातार कोशिश जारी है। अंतरिक्ष अपने आप में हजारों राज छिपाकर रखे हुए हैं, जहां हजारों तारे, चांद, सूरज, उल्कापिंड और कई दूसरे ग्रह मौजूद हैं। धरती से अंतरिक्ष में देखें तो हमें एक सूरज दिखाई देता है। सौर मंडल में सूरज के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नासा ने ऐसे ग्रह का पता लगाया है जिसके पास एक नहीं बल्कि दो सूरज है। हालिया दिनों में इस ग्रह की
पुष्टि हुई है, जिसे जानकर आपको हैरानी हो रही होगी। नासा के मुताबिक यह ग्रह धरती से लगभग 200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जिसका नाम केपलर 16b रखा गया है। जैसा कि हमने आपको बताया, माना जा रहा है कि ये ग्रह भी शनि ग्रह की तरह ठंडी गैसों का बना हुआ है। नासा की दूरबीन केपलर ने इसके शानदार चित्र को कैद किया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस ग्रह की तुलना हॉलीवुड के फिल्म स्टार वॉर के टेटवन ग्रह से की जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केपलर 16b ग्रह पर दो दो सूर्य हैं, लिहाजा दो बार सूर्योदय और दो बार सूर्यास्त होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि केपलर 16b के दोनों सूर्य पृथ्वी के सूर्य की तुलना में काफी छोटे नजर आते हैं। पहले सूर्य का मास पृथ्वी के सूर्य का 69% है, जबकि दूसरे सूर्य का द्रव्यमान यानी मास पृथ्वी के सूर्य का 20% है। नासा ने अनुमान लगाया है कि पहले सूर्य का तापमान -73 से 101 डिग्री सेल्सियस तक है और उस ग्रह पर एक साल की अवधि 229 दिनों की है। नासा ने बताया है कि ये ग्रह आंशिक रूप से चट्टानों से बना हुआ है, जहां पानी मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। जब 2011 में इसकी खोज हुई थी, तब साइंटिस्ट बिल बॉर्की ने कहा था कि इस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हो सकती है, लेकिन बाद में कहा गया कि इसकी पूरी संभावना नहीं दिखती है। नासा ने केपलर टेलीस्कोप को 2009 में लगाया था, ताकि पृथ्वी जैसे और ग्रहों के मिल्की वे को कैद कर सके। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और ऐसे ही हम आपके लिए नई नई जानकारियां, नई नई रहस्यमयी बातें हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड करते रहें। आपको हमारा वीडियो फ्री में मिलता है, लेकिन इसके पीछे हमारी काफी मेहनत छुपी हुई रहती है। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर अपना फीडबैक जरूर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहें, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे जिससे। तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहे, स्वस्थ रहे।